देखिए, आज आपको बताने वाला हूं कि जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी रात 12 बजे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एनके सैनी और आप देख रहे हैं हेल्प एंड। आज का जो वीडियो, उसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनेट सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको काफी सारे जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस भी ऐसे मिले होंगे, साथ ही कुछ न्यूज भी आपको मिले होगी जो कि आपको स्क्रीन शॉट में मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला जो स्क्रीन शॉट है आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिसमें एबीपी न्यूज का जो है लोगो बना हुआ है, साथ में बताया गया है कि आज रात 12 बजे से जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी। तो क्या है ये हकीकत? क्या वाकई में आज रात 12 बजे से जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी? तो ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, आज आपको बताने वाला हूं कि जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी रात 12 बजे से। न्यूज फैल रही है वो क्या हकीकत या फिर सिर्फ झूठ है? तो इस बारे में आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी दुनिया में इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है, साथ ही पूरा इंडिया जो है लॉकडाउन, हर जो नागरिक है, हर जो व्यक्ति है देश का, वो सब घर पर ही बैठे और घर से ही वो काम कर रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, रूमर्स, अफवाहें जो है काफी हद तक बढ़ जाती है, रूमर्स काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और इसी के कारण जो ये न्यूज फैली है कि इंटरनेट सर्विस रात 12 बजे से बंद कर दी जाएगी। तो फिलहाल गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिसमें जो है इंटरनेट सर्विस या टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह से रूमर्स फैलते रहे, अफवाहें फैलती रही, तो हो सकता है कि सरकार को ऐसे कदम भी उठाने पड़े, क्योंकि अगर इसी तरह रूमर्स फैलते रहे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, सरकार की तरफ से जो इंटरनेट है उसे भी बंद कर दी जाए। इससे पहले एक और रूमर जो है आया था जियो की ओर से, जिसमें दिखाया गया था कि जियो की ओर से 498 का जो रिचार्ज है वो बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है जियो की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से, जो कि आपके व्हाट्सएप पर भी ग्रुप या आपके किसी जो रिलेटिव है या फ्रेंड है उनके द्वारा सेंड किया गया होगा, क्योंकि उनको भी किसी थर्ड मेंबर ने भेजा होगा। तो ये सारी जो न्यूज है वो रूमर्स है, एकदम फेक न्यूज है। सरकार की ओर से ऐसी कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई है जिसमें आपको बताया जाए कि इंटरनेट सर्विस जो है बंद कर दी गई है, क्योंकि इस टाइम सभी लोग घर पर है और अपने इंटरनेट का यूज जो है बिल्कुल एहतियात से करें। कोई भी मैसेज या फिर कोई भी वीडियो या फिर कोई भी आपके पास पिक्चर आए तो उसकी पुष्टि किए हुए बिना, उसको जांच किए हुए बिना फॉरवर्ड किसी को भी ना करें। ऐसा करने पर आपको जेल तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो है प्रावधान है, नियम है, बाकायदा नियम है इस चीज के लिए, और आपको इसके लिए जो है जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते तो आपको जेल तक हो सकती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से बचे रहे, रूमर्स से बचे रहे और देखते रहे हमारा चैनल ऐसी ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, टॉप ऑफर्स के लिए, बेस्ट डील के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल वाला बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कमाल के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।